विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। मैं साक्षी आज आप सभी का इस वीडियो में करती हूँ स्वागत। वीडियो के टाइटल से आप सभी को समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आपका फर्स्ट एग्जाम मैथ का क्लास 12th के लिए, उसके आंसर की के साथ आज मैं साक्षी आप सभी के साथ हूँ। पॉलिटिकल साइंस की आंसर की के नीचे इतनी कमेंट्स मैथ। तो सबसे पहले इसी पे काम करना पड़ा, तो चलिए वीडियो को डिले ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं जो एमसीक्यू बता रही हूँ वो सिर्फ आपको मैं आंसर दे रही हूँ, उनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। हिंट दूंगी, हाँ आपने इस तरह से सॉल्व किया होगा या आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। और होप्स आप सबके बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर डालना मेरा इतना स्कोर है आफ्टर वीडियो भी, या आपको वीडियो से पहले पता है कि मेरा स्कोर इतना ही बनेगा तो भी जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर डालना है, ठीक है। तो और जो बाकी एक नंबर के आगे क्वेश्चन है 2, 3, 5 सबके मैं आंसर्स आपको सॉल्व करूंगी, पर एमसीक्यू सिर्फ हिंट के। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एमसीक्यू था, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर ए एंड बी इफ देयरफॉर ए ग्रेटर एंड इक्वल बी इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। मैं आपको पर्सनली ये बताना चाहूँगी सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में कि ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जाम्स में आया था, मेरे सेट में ये एमसीक्यू था। तो इसलिए मैं आपको इससे ये बताना चाहती हूँ कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू बेस से, तो बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन थे रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक। अगर आपने इसमें कुछ, जहाँ तक मेरे को पता है आप सबने ए या बी को लेट किया होगा कि ए और बी ए नंबर हो सकते हैं, फिर आपने उनको चेक किया होगा, तो उस हिसाब से आपका आंसर ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, एंगल है साइन का 3π, साइन 3π/5। आपको ये क्वेश्चन शायद आई थिंक सेकेंड चैप्टर से ही था, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से याद नहीं है चैप्टर सीरीज। तो साइन इनवर्स में आपने पहले इंटरव्यू चेक किया होगा, जो भी वहाँ का इंटरवल है π/2 से -π/2 आई थिंक सो, मेरे को याद नहीं अच्छे से ये इंटरवल वगैरह। हाँ पर मैंने सॉल्व किया तो मैं आपको बता रही हूँ। देन आपने उसी वैल्यू चेक की होगी और साइन बड़ा है तो आपने उसको cos 2θ से माइनस किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर है a 2π/5। ऑप्शन सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम एन इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। मतलब हम मैट्रिक्स को जिस फॉर्म में, अगर मैं कहूँ अल्फाबेटिक फॉर्म से हम कैसे लिखते हैं, तो हम उसको ए आई जे लिखते हैं और एम और एन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो अगर वह स्क्वेयर मैट्रिक्स है तो उसमें क्या ये क्वालिटी या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। नंबर ए एम ग्रेटर देन एन, एम लेस देन एन, एम इज इक्वल टू एन और डी नाइन। अगर आपने चैप्टर 3 की प्रॉपर्टीज बहुत 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 ध्यान से की हैं तो आई एम श्योर ये आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता, सी एम इज इक्वल टू एन। क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ एक्स इफ डिटरमिनेंट 2, 4, 5, 1 इज इक्वल टू 2x, 4, 6x। ये आपने फोर्थ चैप्टर से था आपका डिटरमिनेंट वाइज, आपने इनको क्रॉस किया होगा, देन क्रॉस आई थिंक सबको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा ऐसे क्रॉस में, और फिर उसको एक्स के इक्वल पुट करके निकाला होगा, तो हमारे पास वैल्यू आती है √3। पर हम सभी जानते हैं डिटरमिनेंट में वैल्यू प्लस माइनस होती है, इसलिए अगर आप बी लगा गया है तो ठीक है, अगर सी लगा गया है तो आई एम रियली सॉरी आपका ये गलत हो चुका है। तो बी इज द राइट आंसर, प्लस माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, द एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। ऑप्शन ए डिटरमिनेंट ए, बी डिटरमिनेंट स्क्वायर, डिटरमिनेंट क्यूब एंड डी इज 3a। अगर आपने थर्ड फोर्थ चैप्टर की प्रॉपर्टीज बहुत बहुत अच्छे से की हुई है तो आपके ये एमसीक्यू मेरे को लगता गलत होने चाहिए। शेड द फंक्शन y इज इक्वल टू log cos x। मैं आपको पर्सनली बता दूं, डिफरेंशियल्स और इंटीग्रेशन के एमसीक्यू आते हैं वो बहुत इजी होते हैं अगर आप उनकी बहुत 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 प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो जैसे अगर मैं अभी आपको बताऊं तो आप इसका आंसर देते हैं, log का इंटीग्रेशन होता है 1/x, तो इसमें एंगल है 1/cos x, cos का होता है sin x, ex का होता है ex और into 1। मतलब आपको ऐसे, मतलब जैसे मैं आपको बता रही हूँ मुंह जुबानी कहते हैं, जैसे आपको ऐसे इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आना चाहिए। अगर आप 12th क्लास स्टूडेंट और आप 12th मैथ में चाहते हैं कि आपके अच्छे 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 नंबर है, तो मैंने आपको बता दिया, तो ax tan ex इज राइट आंसर, क्योंकि साइन अपॉन कोस टेन होता है। अब आप मुझे साइन अपॉन कोस कैसे, तो 1/log x का इंटीग्रेशन हमने किया 1/cos x और cos x का sin x, तो अगर हम दोनों को एक साइड रख ले साइन अपन कोस तो होगा 10 ex। ओके
नेक्स्ट इज इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 200, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y साथ में डिवाइड बाई dx, क्योंकि हमें रिस्पेक्ट टू x करना है, और 200 का 0, तो हम x को साइड लाएंगे, तो नॉर्मल आंसर ऑप्शन बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर सेकंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन इट्स सर्कमफेरेंसेस. तो आपने पहले सर्कल के इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेडियस, तो आपने पहले एरिया निकाला होगा, वहां पर डी आर अपॉन डी टी निकाला होगा, देन आपने उसके सर्कमफेरेंस में लास्ट में आर निकालकर उसमें वैल्यू पुट की होगी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ऑप्शन सी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर. अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट आपको लग रही है वीडियो, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं साथ साथ समझा रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हो गई मुझे लगा. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी, द इंटरवल इन विच फंक्शन वाई एक्स स्क्वायर ई की माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग. अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन नहीं आते, जो कि 6.2 है आई थिंक, तो मैं आपको एमसीक्यू के लिए स्पेशली एक तरीका बताऊंगी. आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, जो भी आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई माइनस का, आप उसमें ये चार ऑप्शन रख के देख लीजिए, आपको जिसमें भी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है वो इंक्रीजिंग है, जिसमें कम मिल रही है वो डिक्रीजिंग है. तो इसमें आपको मिल रही थी डी पे 0 और 2. लास्ट एंड दी लास्ट एंड फाइनल एमसीक्यू वाज वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ई टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स. तो मैं आपको बता दूँ, इसमें हम टेन इनवर्स एक्स को टी पुट कर लेंगे और देन डी एक्स को डी टी अपॉन डी वाई डी टी में चेंज करके, और हमारा आंसर होगा टेन ई टेन इनवर्स एक्स प्लस सी. ये आपको टी लेट करने वाला क्वेश्चन है आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है सी 7.2 से है. ओके, तो एमसीक्यू आपके बहुत बहुत अच्छे होंगे. अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. तो आपका 11th क्वेश्चन था, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोड इनवर्स 1/√x²-1. ये आपका इंडिकेशन से है और एक नंबर का है. तो फर्स्टली मैं आपको एक आइडेंटिटी बता देती हूँ, सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू होता है 10 स्क्वेयर एक्स. तो हम इस रूट एक्स को इसमें चेंज करने के लिए एक्स को कर लेते हैं सीकेंट टी. तो पुट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर टी. टी इसलिए क्योंकि हम कभी भी x को x में चेंज नहीं कर सकते. तो अगर हम यहाँ से t की वैल्यू निकालें तो ये होगी सीकेंट इनवर्स x, क्योंकि सीकेंट इधर घूम जाएगा थोड़ा सा, मतलब साइड आएगा, तो सीकेंट इनवर्स x हो जाएगा. तो हम इसमें पुट करते हैं, पुट इनवर्स अपॉन 1/ x की वैल्यू हमें क्या लिखनी है, सीकेंट स्क्वेयर t माइनस 1. ये अभी हम मैंने बताया आपको 10 स्क्वेयर x होता है, तो हम इसको कर लेंगे 10 स्क्वेयर t. स्क्वेयर से टी कैंसिल, तो कोट इनवर्स अब 1/10 को ऊपर लेंगे तो कोट टी बन गया. इस कोट से इसके रेस्ट को कैंसिल करें तो ये बन गया टी, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सीकेंट इनवर्स एक्स. तो आपका आंसर हो गया सीकेंट इनवर्स एक्स. ये क्वेश्चन था आपका एक नंबर के लिए. आपका क्वेश्चन नंबर 12 ये है, ए मैट्रिक्स है, हमें कहा गया है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है, और हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है. तो पहले हम इस चीज़ को अपने पास, ए हमारे पास है ए ट्रांसपोज का, ए ट्रांसपोज आई थिंक सबको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो जो हमारी रोज है उनको कॉलम्स में, या फिर जो हमारे कॉलम्स हैं उनको रो में लिख सकते हैं. इट्स चीज़ आप क्या करना चाहते हो, तो मैं इसको रो को कॉलम में लिख रहा हूँ. कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये वाला साइन एक्स कोस एक्स, ये हमारे पास ए है ए ट्रांसपोज. अब आई तो आपको सबको पता होगा, हमारे डायगनल्स 1-1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं आई के लिए. अब इसको करते हैं सॉल्व, ए प्लस ए ट्रांसपोज टू आई, मतलब कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स. इसको कर लेते हैं मैट्रिक्स के अंदर, दूसरे वाले को लिखते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल्स टू 1 0 0 1. ठीक है, कोस एक्स 2 कोस एक्स माइनस साइन प्लस साइन एक्स 0, ये भी सेम 0, ये भी हो गया 2 कोस एक्स. तो 1 0 0 1. अब इसको करते हैं कंपेयर, तो 2 कोस एक्स इज इक्वल्स टू 1, कोस एक्स इज इक्वल्स टू हो गया 1/2. अब हमें पता है कोस 60 पर वैल्यू होती है 1/2, और कोस 60 कितना होता है, π/3. तो आपका आंसर है π/3. एक इस क्वेश्चन में जो छोटी सी मिस्टेक मैं एग्री हूँ
मैंने की है और आप सब भी ना करें, इसलिए ही मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे गिवन था कोस अल्फ़ा और मैं यहाँ पूरे क्वेश्चन में साइन एक्स या कोस एक्स लिख के गई हूँ। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी, अगर अल्फ़ा गिवन है तो अल्फ़ा और एक्स गिवन है तो एक्स, ये मुझसे मिस्टेक हुई है, पर आप इसको सेम सोल्व करें, पर अल्फ़ा इसमें ज़रूर, मतलब कोस एक्स की जगह कोस अल्फ़ा ही रखें। ये फंक्शन आपको गिवन था कंटिन्यूस एट एक्स इजल टू, और आपको के की वैल्यू, यहाँ मैंने एक्स लिख दें कि आपको वैल्यू निकालनी थी। जब आपको गिवन है कि कंटिन्यूस है तो आपको ज़्यादा इसमें टाइम, मैं ये कहूँ, खपाने की ज़रूरत नहीं है। इस फर्स्ट को या थर्ड को किसी भी इक्वेशन को के एक बार रख लीजिए, मैं आपको दोनों करके दिखा देती हूँ। 2x+1 इज इक्वल्स टू के, और इस साइड हम लिखते हैं 3x-1 इज इक्वल्स टू के। तो अगर हम यहाँ पर पहले 2 to the 4+1 तो 5 इज इक्वल्स टू के, और इधर रखेंगे तो 3 to the 6-1 तो 5 इज इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू हमारे पास आनी तो 5 ही है। 14 क्वेश्चन है कि आपको इसके डेरिवेशन निकालना है जिसमें x 0 है, तो हम करते हैं शुरू। तो y- इसका डेरिवेटिव हो गया 4x, क्योंकि मैंने आगे लेके डायरेक्ट डाल दिया है, तो और 3 cos x। अब हमें x तो 0 दे रखा है, तो ये तो हो गया 0+3 cos 0, और cos 0 होता है 1, तो 3 × 1 = 3, तो 3 आपका आंसर हो गया। था ये डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन dx/x2 - 16। तो मैं पहले इसको तो नॉर्मल, जितना भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं वो लिख सकते हैं, x2 - 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो अब आप देखिए ये हो गई है ये आइडेंटी a²-x² जिसका आंसर होता है ये, तो इसी को हम इस फॉर्म में लिखेंगे 1/2 a हमारे पास है 4 log x-4 और x+4 प्लस सी, तो हो गया 1/2 log x-4 और x+4 और प्लस सी। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद है इंटीग्रेशन की, जो 7.2 के बाद 7.4 के बाद गिवन है बुक में, तो आप कोई एमसीक्यू करने में आई डोंट नो कि भाई ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, आई थिंक सबको इतना में हो जाना चाहिए था, 1-2 सेकंड में ही। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16-15 तक थे हमारे 1 मार्क्स के, अब है 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट। तो ये फंक्शन हमें बताना है कि ये 1-1 है या नहीं। तो 1-1 के लिए x1 = x2 होना चाहिए, तो हम इसको लेट कर देंगे x3-4x1 = 3-4x2। यहाँ 3 से हम 3 कैंसिल, -4x1 से -4x2 कैंसिल, ये सब खत्म, तो x1 = x2। सो सिंपल, ये 1-1 है। अगर x1 और x2 इक्वल नहीं आते तो नहीं होता, अगर यहाँ कोई और फंक्शन गिवन होता तो हम उसे x2 लेते और फिर इसको सॉल्व करते, अगर तब वो इक्वल आता तो ये 1-1 है, अगर नहीं तो नहीं है। बाकी कुछ सर्कल वाले मेथड से भी आप ट्राई कर सकते थे, पर उसमें यह कि आपको सपोज करना पड़ता है, हम इसको 1, 2, 3 लिखेंगे, तो मतलब जैसे इक्वेशन बना के 3- जैसे हमने एक्स को 1 लिया, तो इधर भी हम 3-4 1 करेंगे, तो वैसे तो सेम ही आने हैं, तो हम इस मेथड से, ये शॉर्ट मेथड है वैसे, बट इट्स योर चॉइस, आप इस मेथड से कर रहे हैं या आप इस मेथड से कर रहे हैं, आना 1-1 चाहिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसके लिए जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो है ये, मैं पहले ही कह रही हूँ और बार बार रिपीट भी कर रही हूँ इसीलिए कि आइडेंटिटी याद रखना बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि आप इसको पता नहीं किस मेथड से सोल्व करने लग जाओगे अगर आपके पास आइडेंटिटी नहीं है। आपके पास आइडेंटिटी है, आपको याद है, तो आप इसको 2 मिनट, 2 नंबर क्वेश्चन का 2 मिनट ही लगाओगे। मैथ में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जो कि आइडेंटिटी की जरूरी सोच। अब मान लीजिए आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं है, आप इसमें पता नहीं कौन कौन से तरीके लगाओगे, आप निकाल भी दोगे 10 3/4, मुझे विश्वास है मैथ सब्जेक्ट ही ऐसे कि हम उसमें आंसर तो निकाल ही देते, कैसे घुमा फिरा के निकाल ले, पर निकाल देंगे, पर वो तरीका क्या, मतलब उसका फ़ायदा तो कुछ नहीं है ना हमारे लिए, तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो हम इसको इस डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ 10 inverse x है हमारे पास 1/2, y था 2/11 upon 1 - 1/2 × 2/11, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर वाले का LCM क्या होगा 22, और ये गया 11+4, ये यहाँ LCM हो गया 11, LCM क्या लेना वैसे, तो पर कोई नहीं, चलो 11 गया तो 10,
आप थोड़ा सा, अगर मैं आपके लिए एलसीएम, मैं ये कहूँगी ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट को इतना आना चाहिए है ही, अगर नहीं भी आपको लग रहा है कि मैं एलसीएम थोड़ा फास्ट निकाल दिया है मैंने, या फिर आपको समझ नहीं आया कि ये क्या इतनी जल्दी जल्दी निकाल दिया, तो आप इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप कर लेना। 11 11 5 3 5 2 और ये हमारा आ गया 10 inverse 3/4। तो हमें यही प्रूव करना था, ये रही रहा 10 inverse 3/4 और ये रहा हमारा 10 inverse। तो हमने निकाल दिया है विद दिस इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी। ओके, तो आइडेंटिटी ज़रूर ज़रूर याद रखना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे 1/2 - 3i + j और 3×4 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो हमारी मैट्रिक्स होगी कुछ इस तरह, a11 a12 a13। तो ये हो गई आपकी मैट्रिक्स ए, जिसमें 3 कॉलम और 4 रो है, मतलब 3×4 की। तो अब ये है aij 1 2 - 3i + j। ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरी मैट्रिक्स आपको बना के दिखाऊं। तो मैं आपको एग्जांपल, जैसे इसमें a11 जो होगा -i की जगह 1 j की जगह भी 1, तो ये हो गया -3+1 और -3+1 क्या होता है -2 - -2 - -2 - -1। तो a11 होगा हमारा -1, ऐसे ही अब a12 a14 सब निकाल के आए होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, मैट्रिक्स ए और बी नहीं, ये जो अल्फ़ाबेट आपको ए और बी दे रखे हैं उनकी। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए स्क्वेयर क्या होता है, a matrix into A matrix। तो ये हो गया 3 2 1 1 और दोबारा 3 2 1 1। मैं ये होप कर रही हूँ कि आपको सबको मल्टीप्लाई आती होंगी, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, रो कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 3 3 9 + 2 3 2 6 + 2 3 + 1 और 2 + 1। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो मेरी गुजारिश है, पहले जाकर आप मैट्रिक्स सीख के आएँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू रखते हैं हम 11 8 4 3। एक वैसे ही, फिर मैट्रिक्स ए की वैल्यू बी एस ही 1 0 0 1 और ये हो गया हमारी 0 0 0 0 मैट्रिक्स। तो 3 a 2 a e a और ये हो गई b 0 0 b 0 0 0 0। इसको करते हैं अब प्लस, तो ये होगा 11 + 3 a + b और यहाँ हो गया 4 a 4 + a + 0। मैं मल्टीप्लाई किया था थोड़ा सा, आपको भी ये रखना याद, 8 + 2 a + 0 3 + a + b = 0 0 0 0। तो मुझे सबसे आसान ये वाला लग रहा है, 4 + a = 0। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। आप इससे भी या इस इक्वेशन से भी करके देख सकते हैं। b के लिए हम यहाँ रख लेंगे 3 a + a + b = 3 - 4 + b = 0। ये हो गया -1, b उधर गया -, तो b = 1। इसको आप चेक करने के लिए कि हमारी वैल्यू ठीक है या गलत, तो उसके लिए आप इसको जिस इक्वेशन में a और b हों, जैसे इसमें रख लीजिए या तो दोबारा से, जिससे आप दोनों की वैल्यू रख के देख लें, तो 3 a - 4 + 1 = 0, तो 3 4 - 4 = 0। तो इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है, इसका मतलब हमारे आंसर ठीक है, a - 4 and b = 1। नंबर 20, जिसमें आपको लॉगरिथम डेरिवेटिव फाउंड करना है, पर हम इसको लॉग के फार्मूले से करेंगे, क्योंकि जो हमारी पावर ऊपर होती है तो हम इसको लॉग के फार्मूले से ही करते हैं। तो टेक लॉग बुक साइड, तो अगर हम इसको लेंगे लॉग वाई एक्स लॉग एक्स वाई, तो इसको आगे ले लेंगे एक्स लॉग वाई और वाई लॉग एक्स, टेक डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, एक्स ऐसे का ऐसे लॉग वाई की 1/y प्लस, मैंने यहाँ पर u×v का फार्मूला लगाया, आई थिंक सबको याद होगा क्योंकि वो आप 11th में पढ़ चुके हैं और 12th में भी आपकी इससे पहले की एक्सरसाइज थी उस पर बेस। और अब हम करते हैं log y और x का इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव होता 1, तो उसको मैं नहीं लिखूँगी। तो y एज इट इज़ log x का 1/x, तो ये होगा y/x प्लस
log x और y का डेरिवेटिव dy वाई बाई डी एक्स। यहाँ भी हमारे पास dy वाई बाई डी एक्स आएगा, ये हमने log y का किया है, फिर y का dy वाई बाई डी एक्स होगा। तो ये हो गया x बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y, ये हो गया y बाई एक्स प्लस log x dy वाई बाई डी एक्स। तो अब हम इसमें से dy वाई बाई डी एक्स को हम निकालेंगे, मतलब अलग निकाल लेंगे। जस्ट अ मिनट, मेरा पेन ख़त्म हो गया। इससे पहले एक स्टेप कर लेते हैं कि हम जो dy वाई डी एक्स है उनको एक साइड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लोग एक्स डी वाई बाई, क्योंकि हम तभी को हमें निकालते हैं जब दोनों में हो। तो यहाँ मैंने देखा कि dy वाई डी एक्स है इसलिए तो मैंने उसको चेंज किया, तो y बाई एक्स माइनस लोग वाई। अब इसमें से हम dy बाय डी एक्स कर लेते हैं कॉमन, तो ये हो गया x बाय वाई माइनस लोग एक्स, और ये हो गया y बाय एक्स माइनस लोग वाई। अब इसको आप उस साइड ले लीजिए, वाई बाई एक्स माइनस लोग, आप इसका यहाँ ले लीजिए एलसीएम, तो ये हो गया वाई एक्स माइनस वाई लोग एक्स, और इस साइड भी एलसीएम एक्स वाई माइनस एक्स लोग वाई। अब इसको रेसिप्रोकल साइड, तो वाई माइनस एक्स लोग वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लोग एक्स। तो ये था आपका आंसर। आप चाहें तो इसमें से एक्स वाई को वाई अपॉन एक्स करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स लोग वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लोग एक्स। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। जो आगे क्वेश्चन है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई साथ साथ, तो इसलिए मैं उनको बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ सोल्व करने के बाद। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने 2 को 1 प्लस 1 कर लिया, यहाँ पर 1 प्लस 1 कर सकते हैं हम 2 को, मैथ में ये अलाउडेंस है हमें। आप जानते हैं ये पूरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, हम x प्लस 1 को t पुट करेंगे। उसके लिए मैंने आइडेंटिटी भी इसीलिए स्पेशली लिखी है आप सबके लिए, ताकि आपको पता लगे कि हाँ मैंने क्या किया यहाँ पर। तो हम इस पूरे को x प्लस 1 को t लिया, तो t स्क्वायर प्लस 1 और इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको खोल। अब इसको आप चाहें तो इसको एक स्टेप और आगे ले जा सकते हैं, अगर इसका आप स्क्वायर खोलेंगे तो दोबारा वही आएगा एक्स प्लस वन प्लस वन, और इसको आप डायरेक्ट टू भी लिख सकते हैं, प्लस सी जो इंटीग्रेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके 5 नंबर के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 22। जो चॉइस में 2 क्वेश्चन थे, एक मैंने चॉइस आपकी यहाँ सोल्व कर दी है, दूसरी चॉइस आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के हेड या हमारे चैनल के हेड विजय सर के पास व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं वो क्वेश्चन आपको चेक करके ज़रूर ज़रूर उसका आंसर बता दूंगी। तो ये था आपका, ये 3 इक्वेशन आपको गिवन थी, ए इनके कोफिशेंट्स हैं, बी हमारी लास्ट इज इक्वल टू में जो थे, और एक्स हमारा एक्स वाई जेड होता है। तो हमने पहले निकाला ए का डिटर्मिनेंट, जो शायद सबको ही आता होगा, फिर हम ए इनवर्स निकाल रहे हैं। ए इनवर्स मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्टली तो हम इसको फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करके निकाल, जब हम ए वन यहाँ तो है, तो जब हम ए टू वन या ए टू टू ए टू थ्री तक थ्री को निकालेंगे, तब हम इसको सेकंड रो से एक्सपेंड करेंगे, मतलब हम इसको इसको छुपा लेंगे और इनको क्रॉस करें, फिर इसको इसको और देन इनको लास्ट। शायद मेरे पेन के मोमेंट से आप समझ गए होंगे, लास्ट इज ए थ्री वन या ए थ्री टू या ए थ्री निकालेंगे, तब हम लास्ट रो और लास्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। ये आपको हर कॉलम से एक्सपेंड करना आना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए या तो आपकी इच्छा है, अगर आपको याद रहता है कि हमें इसी फॉर्म में लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इसको पहले इस फॉर्म में लिख लीजिए और फिर उसको रो को कॉलम्स में चेंज कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। फिर जो हमारा होता है ए इनवर्स, वो होता है ए एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ हमने यहाँ निकाला था 10, तो मैंने इसको 1/10 और एडजॉइंट जो हमारा आया था उसके साथ लिख दिया है। और लास्ट जो हमारा होता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो हमने एक्स वाई जेड इस साइड लिखा। मैं आपको स्पेशली बोलूँगी 1/10 को अंदर मत लेके जाना, पहले इनकी मल्टीप्लीकेशन करना, क्योंकि ऑलमोस्ट मोस्टली मतलब आई थिंक 99% चांस
जो बाहर है वो अंदर वाले से कट हो जाता है, जिससे क्वेश्चन बहुत इजी रह जाता है। तो इसलिए प्लीज़ उसको इसके साथ, अभी आपको लग रहा है यहाँ 4 है, 2 है, 5 है, 2 है, 3, सबसे 10 डिविजिबल है, पर प्लीज़ 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 ऐसी मिस्टेक मत करना। देन मैंने उसकी मल्टीप्लाई की है और फिर मल्टीप्लीकेशन करें, प्लस माइनस करें, तो हमारा एक्स टू वाई माइनस वन और जेड वन आया है। अगर आपको सेटिस्फिकेशन नहीं है तो आप किसी भी इक्वेशन में रख के देख लीजिए। अगर हम यहाँ एक्स को 2 रखें, वाई को माइनस वन, तो प्लस का 1 हो गया 3 और प्लस का 1 4, तो इट्स सेटिस्फाइड अवर इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन 23rd। इसमें आपको एक स्क्वायर गिवन है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि क्यूबॉइड गिवन है और उसको एक्स एक्स साइड से चारों कोनों से काट लिया गया है। तो बताइए अब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो एक्स है। तो अगर हम देखें, यहाँ से भी एक्स कट कर दिया हमने, यहाँ से भी एक्स, तो 18 माइनस 2x लेंथ हो गई और ब्रेथ भी 18 माइनस 2x हो गई और हाइट एक्स ही रह गई। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स सबको पता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो हमने इनको स्क्वेयर कर दिया डायरेक्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, ये मैंने u इंटू v से निकाला है। आप सब इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। यहाँ से जो समझने की बात है, यहाँ से पहली ब्रैकेट में से मैंने 2 और पिछली वाली ब्रैकेट में से 6 कॉमन निकाल लिया है, जिससे ये और थोड़ा छोटा हो गया, जो सेकंड डेरिवेटिव और फिर बाद को इसको पुट करने के लिए इजी रहेगा। फिर हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, सेम यहाँ u इंटू वी 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 और यहाँ 9 माइनस एक्स का माइनस 1 ही रहेगा। तो कन्फ्यूज मत होना इसमें बिल्कुल भी। तो पहले हमने डी वाई फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है एक्स इजिकल टू 9 और एक्स इजिकल टू 3। अब आप देखिए, ये 9 तो हो ही नहीं सकता ना, अगर यहाँ हम 9 पुट करें तो ये हो गया 18 माइनस 18 0। तो लेंथ तो हमें शो हो ही रही है कि भाई ये 0 हो ही नहीं सकती, तो 9 को इसलिए मैंने यहाँ पर अनइक्वल रख दिया। फिर यहाँ मैंने डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट की है एक्स की 3, ताकि हम बता सकें कि मैक्सिमम है या मिनिमम। तो हम देख पा रहे हैं ये 0 से ग्रेटर है, तो इसलिए ये मैक्सिमम है। तो हमारा एक्स की वैल्यू है 3 मैक्सिमम। अगर हम साइड निकालें तो यहाँ आप एक्स की वैल्यू 3 पुट करके लेंथ और ब्रेथ भी निकाल सकते हो और हाइट हमें 3 मिली गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो आई होप सबको पसंद आई होगी। लास्ट के क्वेश्चन के लिए आई एम सॉरी, बिकॉज उसको सॉल्व करते करते रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए पहले मैंने सॉल्व कर लिया और फिर रिकॉर्ड किया, क्योंकि फिर मैथ में कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा ये है कि माइंड डाइवर्ट हो रहा था, इसलिए फिर इस तरह करना पड़ा। सो आपको अपने सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए, आपकी कमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने काम किया। तो इस वीडियो के नीचे बहुत सारी कमेंट्स आई वॉन्ट, और कमेंट्स में क्वेश्चन में आप आगे जो भी आप कंसिडर कीजिए वो तो आप बोलोगे ही, साथ में इस वीडियो से रिलेटेड आपको इसमें क्या अच्छा लगा या अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो प्लीज़ 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 ज़रूर कमेंट में डालें कि साक्षी मैम या साक्षी दीदी, इट्स योर चॉइस। और मेरे बॉयकट की वजह से जो मुझे भैया समझते हैं उनके लिए, वो भैया भी लिख के डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आपको कमेंट वीडियो से रिलेटेड अच्छी या बुरी बात लगी वो ज़रूर डालें, अपने मार्क्स और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने मैथ्स जिनके पास मैथ है, क्योंकि साइंस वाले बच्चों के पास भी मैथ होता है, कॉमर्स वालों के पास और आर्ट्स वालों के पास भी, तो इसलिए इसको हर जगह शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं हैं तो प्लीज़ कमेंट में डालना कि सर मुझे, मैं यहाँ से हूँ और मैं आपके ग्रुप में ऐड होना चाहता हूँ, तो मैं कैसे ऐड हूँ। वहाँ हमारे यूट्यूब ऑनर विजय सर आपको ज़रूर ज़रूर बता देंगे कि आपको कैसे हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और अगर किसी को जो लास्ट 5 क्वेश्चंस, जो 5 मैथ क्वेश्चन चॉइस थी, मैंने उसमें आपको एक एक करके दिखा दिया है, फिर भी अगर आपको दूसरा वाला चाहिए तो आप उसी व्हाट्सएप ग्रुप के हेड विजय सर के पास शेयर कर दीजिएगा उनको, वो मुझे भेज देंगे। देन उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको ज़रूर 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 रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।